जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। कोविड पैंडेमिक में आप आए दिन एक न्यूज आम रूप से साधारण रूप से सुनते होंगे कि कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये सामान्य है, आए दिन हम लोग ऐसा न्यूज देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, इस कोविड पैंडेमिक के बढ़ते प्रभाव में अब रेलवे स्टेशन को भी अस्थायी रूप से अगले आदेश तक बंद किया जाने लगा है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको अस्थायी रूप से कोविड महामारी के कारण अगले आदेश तक बंद किया गया है। जी हाँ, बंद होने वाले जितने भी स्टेशन है वो सिंगल लाइन में स्थित है। जी हाँ, लूप लाइन में स्थित है, जिसपे सामान्यतः औसतन कम गाड़ियों का संचालन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन बंद करना ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। जो स्टेशन बंद किया गया है उसका नाम हम आपको बताते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। छपरा कचहरी से थावे के मध्य जो स्टेशन बंद हुए हैं, जिसमें खैरा, मढ़ौरा, राजापट्टी, माझागढ़, ये सभी स्टेशन को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। वहीं पे थावे से कप्तानगंज के मध्य भी कई रेलवे स्टेशन को बंद किए गए हैं, जिसमें जलालपुर, कटकुइया, बढ़ारागंज, इंदिरा बेलथरा रोड के मध्य कीडीहरापुर स्टेशन, साथ ही साथ मऊ और मोहम्मदाबाद के मध्य खुरहट स्टेशन को बंद किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रहा होगा कि ये स्टेशन बंद होने के बाद ट्रेन का संचालन कैसे होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो स्टेशन बंद हो रहा है, मान लीजिए कि खैरा स्टेशन बंद हो रहा है, तो खैरा स्टेशन किस किस स्टेशन के मध्य पड़ता है? जैसे छपरा कचहरी और पठेरी स्टेशन के मध्य पड़ता है, तो इस स्टेशन के मध्य जितने भी गेट होंगे उनका संचालन अब ये दोनों स्टेशन करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस बीच में खैरा स्टेशन था, तो खैरा स्टेशन के आसपास जो गेट होंगे वो खुद बंद किया करता था, तो अब खैरा स्टेशन बंद हो गया तो जो खैरा स्टेशन का लोड है वो भी इन दोनों स्टेशन पे बढ़ जाएगा। और जो स्टेशन होता है, स्टेशन का कार्य ही होता है कि ट्रेन का सफल सुचारू रूप से संचालन करना। प्लेटफॉर्म नंबर एक या प्लेटफॉर्म नंबर दो, तीन, चार, जितना बड़ा स्टेशन है उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म होता है, सब पे जो है सो कि सही तरीके से उसको ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, पॉइंट्स बदल बदल के, ये सारा काम स्टेशन मास्टर का होता है। साथ ही साथ आसपास में जितने भी गेट होते हैं वो सबका बंद करवाना उसी स्टेशन मास्टर का कार्य होता है। तो स्टेशन जब बंद हुआ तो ये जो भार है वो आसपास के स्टेशनों पे डिवाइड होगा। इसमें क्या है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर एक या प्लेटफॉर्म नंबर दो पे पॉइंट के द्वारा स्टेशन मास्टर खैरा स्टेशन पे बुलाते थे, अब इसको बंद कर दिया जाएगा, सीधे मेन लाइन को चालू कर दिया जाएगा। लूप लाइन के सेट करा के दोनों छोर के जो पॉइंट है उसको क्लैंप एवं पैड लॉक करा के इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रेन का संचालन सीधे सीधे मेन लाइन से होगा। प्लेटफॉर्म नंबर एक या दो पे बदलने का कोई झंझट नहीं होगा, इस पे पूरा उसको जो है पैक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए सिर्फ एक पॉइंट्समैन मौजूद होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो स्टेशन बंद हो गया वो एक तरह से अब गेट बन के रह जाएगा, और यहाँ पे कोई भी गाड़ी आती है तो जो इनके आसपास के स्टेशन है वो इस स्टेशन के सीयूजी नंबर पे फोन आएगा, वहाँ पे पॉइंट्समैन जो मौजूद होगा वो फोन अटेंड करके प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करेगा और वो चेक करेगा कि जो हमने पॉइंट्स को पैक किया है, फिक्स किया है, वो ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं से पॉइंट ढीला वगैरह तो नहीं हुआ है। वो सब चेक करने के बाद स्टेशन मास्टर को पास करेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, आप ट्रेन को भेज सकते हैं, उसके बाद वहां से संचालन शुरू होगा। और आप एक चीज और देखते होंगे कि स्टेशन पे क्या होता है कि होम सिग्नल होता है, आउटर सिग्नल होता है, जिसके मदद से ट्रेन के ड्राइवर जो है ट्रेन को पास करते हैं। रेड रहता है तो वहीं पे वो रुक जाते हैं, और ग्रीन सिग्नल होता है तो सीधे जाते हैं, येलो सिग्नल होता है तो स्टेशन पे आके रुक जाते हैं। तो ये स्टेशन बंद होने के बाद एक ही सिग्नल मेंटेन करेगा, वो रेड सिग्नल मेंटेन करेगा, जो कि लोको पायलट के लिए नहीं होगा। जी हाँ, जब ट्रेन इस रूट में आएगी तो आसपास के स्टेशन पे
ड्राइवर को लिखित में दे दिया जाएगा कि आपको ये स्टेशन बंद है, यहाँ पे इसका सिग्नल आपको फॉलो नहीं करना है, उसको आप नेगलेक्ट करके चलिएगा तो ड्राइवर सीधे अपना संचालन गाड़ी करेगा, अगले स्टेशन पूर्ववर्ती रूप से ऐसे ही चलेगा। तो जितने भी स्टेशन बंद हुए हैं सारे स्टेशनों पे यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अगले आदेश तक ये सभी स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, और अपना कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक पे एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस पे आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और अपने आप को इस कोविड पैंडेमिक से बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये पूरा मई महीना हम लोगों के लिए काफी दुख भरा है और काफी क्रिटिकल है, क्रूशियल है, इसमें बचने की सख्त आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम लोग सब एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि हम लोगों का जो सांसों की डोर है वो ऐसे ही चलती रहे। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।